अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फिज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गोहर पब्लिशर में आप सबको खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू प्रेप 5+। सफ़र नंबर 90 पे हमारे पास मौजूद हैं जानवरों के नाम और परिंदों के नाम। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जानवर मौजूद हैं और बहुत सारे परिंदे भी मौजूद हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सीखना है सबसे पहले जानवरों का नाम। मुझे पता है कि आपको जानवरों के नाम तो आते होंगे, लेकिन एक बार मेरे साथ भी आप पढ़ें ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है एक बहुत प्यारा सा घोड़ा। इसके बाद हमारे पास मौजूद है शेर। शेर जो है वो जंगल का है राजा। यहाँ पर हमारे पास बहुत प्यारी मुस्कुराती हुई गाय मौजूद है। इसके बाद हमारे पास मौजूद है बहुत लंबा जराफा, और यहाँ पे मौजूद है एक बहुत प्यारा सा ऊंट, और यहाँ पे मौजूद है एक बहुत भारी सा हाथी। हाथी के पास मौजूद है यहाँ पे हिरन, और आखिर में हमारे पास मौजूद है बकरी। तो ये थे हमारे जानवरों के नाम। इसके बाद बढ़ते हैं हम परिंदों के नाम की तरफ। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एक प्यारी सी फाख्ता, तोता, चिड़ा, कौवा, बाज, कबूतर, बतख, मोर, मुर्गा और एक बहुत ही शरारती सा शुतुरमुर्ग। तो ये थे परिंदों के नाम और जानवरों के नाम। अब हम बढ़ते हैं इसकी लिखाई की मश्क की तरफ, जो कि सफ़ा नंबर 91 पे मौजूद है। अल्फाज को मुतलका तस्वीर से मिलाएं। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास तस्वीरें दिए गई हैं और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है अल्फाज। हमें क्या करना है, जो तस्वीर है उसकी उसके नाम को उसके साथ मिला देना है। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है मीम वाओ मो रे मोर, फेली फा खे ते हे फाख्ता। इसके बाद हमारे पास मौजूद है चे डे लिफड़ा चिड़ा, और आखिर में हमारे पास मौजूद है मुर्गा। इस तरह से मिला देंगे। बढ़ते हैं आगे, हर जानवर के सामने इसका नाम लिखें। ये क्या है, ऊंट है, हम लिखेंगे अलिफ पेश ऊ वाओ नून टे ऊंट। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जराफा, जे रे अलिफ फे हे जराफा। इसके बाद हमारे पास मौजूद है हिरन, इस तरह से। इसके बाद सामने हमारे पास घोड़ा, घ ओ घो रे अलिफड़ा घोड़ा। इसके बाद हमारे पास मौजूद है शेर, जंगल का है बादशाह, और आखिर में हमारे पास मौजूद है एक प्यारी सी बकरी। जी बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको परिंदों के नाम पढ़ने भी आ गए होंगे और लिखने भी आ गए होंगे। इसी तरह जानवरों के नाम भी आपको पढ़ने भी आ गए होंगे और लिखने भी आ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली मश बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। किसी बड़े की रहनुमाई के साथ इसको दोहराते रहें ताकि रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।